नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप और आपका परिवार बहुत अच्छे से होगा। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आप सबका मैं अंजना एक बार फिर से अपने चैनल लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, नील ने तोड़ा बेल खींच के और उसके पापा ने कैच करा। देखो किस तरह मस्ती करे, बेल इतना भारी है, बहुत बड़ा है फिर भी। तो ये देखिए इतने सारे बेल तोड़े हैं हमने घर ले जाने के लिए। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो सुबह के 5:15 हो चुके हैं, 5 बजे हम घर से चले थे। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड। और टाइम हम कभी अगर दिल्ली आए हों तो हम लोग ट्रेन से घर जाते थे, इस बार हम अपनी कार से घर जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से, जो बना है एक्सप्रेस वे मेरठ के लिए, उससे जा रहे हैं हम, जो बहुत ही शॉर्ट रास्ता हो गया है। तो फ्रेंड्स पहले हम इस अगर हम घर जाते थे ऑन रोड कार से भी जाते थे तो उसमें लगभग 6 घंटे लगते थे। तो अब देखिए अभी ये जो बना है एक्सप्रेस वे बना है जो दिल्ली से मेरठ तक ले, उसके कारण ये 45 मिनट्स में हम दिल्ली से मेरठ पहुंच जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम हो गया, उसके कारण हम जैसे अपने घर जा रहे हैं हमें भी बहुत ही शॉर्ट पड़ गया है ये रास्ता। अब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था जाने में। इतनी खुली खुली रोड थी ये और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी पर मेरी कुछ वीडियोज़ ख़राब हो गई, तो जो बची हुई है वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे जा रही थी। तो ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में एक साइड का वे होता है और ये देखिए कितनी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। और ये जो रास्ता है अभी इतना रश भी नहीं था क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में चल दिए थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और अभी उत्तराखंड में लॉकडाउन होने के कारण थोड़ा हम लोग अच्छे से सेफ्टी से हमें जाना था। तो ये देखिए काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत, ये देखिए इतनी लाइटिंग है यहाँ पे। अगर आप रात को भी यहाँ पे आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा आप दिन में आ रखे। बहुत लाइटिंग है, बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता है। तो बहुत ही अच्छा हो गया हम लोगों के लिए, जैसे जो ऑन रोड जाते हैं उनके लिए। तो ये देखिए जो उत्तराखंड वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे हो गए, दिल्ली से जो लोग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के तो अधिकतर लोग दिल्ली ही रहते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट रास्ता हो गया और मेन है बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है। मॉर्निंग में आप चलेंगे तो लगभग 4.25 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे। और अभी ये अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ है तो ये जो एक्सप्रेस वे है। और ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं लगभग बिजनौर। तो फ्रेंड्स बिजनौर में हम लोग पहुँचे, उसके बाद हम लोगों ने देखे आगे गाड़ी में जो तेल वगैरह भराया और जो भैया गाड़ी लेके आए थे उन्होंने चाय वगैरह पी। तो सुबह का समय है ये, और ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप में हम पहुँचे, वहाँ पे देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, पर हमें मास्क लगाना है। हमें घर से बाहर हम जब भी जाते हैं कहीं भी हमें मास्क लगाना है, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड हैं चाय पी रहे, उन्होंने मास्क लगा रखा है। तो मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में अभी 29 तक लॉकडाउन है और हम लोग बहुत सेफ्टी से आए। और ये देखिए हमारी गली में हम लोग पहुँच चुके हैं, हमारे घर की कॉलोनी की गली में। तो फ्रेंड्स मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ हम काफ़ी टाइम के बाद घर आए थे। और घर आने के बाद वो बताऊँगी आगे, बहुत बड़ा काम है हमारे घर में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हम घर में एंटर हो चुके हैं। तो ये देखिए घर के सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपके संग शेयर करने का वीडियो ये है कि आगे से ही मैंने काफ़ी वीडियोज़ ऐसे बनाई है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे घर का भी विज़िट करें। मैं आपको दिखाऊँगी अपने घर का, होम टूर भी कराऊँगी। अभी हम लोग गली में अपनी पहुंच चुके हैं, ये देखिए हमारे घर में हम लोग पहुंच गए। तो ये हमारे घर के गेट, घर के बाहर का गेट है। ये मेरी बगल में चाची है, उनका गेट है, वो मैरून वाला, ये वाला गेट हमारा है। तो मैं आगे का आपको व्यू बाद में दिखाऊंगी, वो मैं एक साथ आगे करवाऊंगी उसकी विज़िट। ये देखिए हमारा गेट में हम पहुँच चुके हैं। इतने टाइम बाद अपने घर में आना इतनी खुशी का एक सपने जैसा हो गया, क्योंकि हम बहुत समय बाद आए हैं घर। और ये देखिए सब पहुँच चुके हैं हमें लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जब घर जाते होंगे आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये देखिए सब से हम मिलने के लिए आ चुके हैं और मैं इसके बाद आपको सुबह का दिखाऊंगी। ये देखिए हम पहुंच के घर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम पहुंच चुके हैं हमारे होम टाउन। तो देखिए मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारे होम टाउन का व्यू बाहर का। तो अभी सुबह के 6:45 हो गए हैं और देखिए मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल काला बारिश के लिए। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए इस मौसम का।
तो फ्रेंड्स, ये हमारी छत से मैं खड़े होकर दिखा रही हूँ आपको चारों तरफ। तो ये देखिए घर ही घर हैं, चारों तरफ घर ही घर हैं। और ये देखिए कितने काले बादल हैं। इतना ठंडा मौसम हो रखा था छत में जब मैं आई थी, तो मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। फिर उसके बाद पूरा काम करने के बाद मैं छत में आ गई आराम से बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग घर आए थे। तो मज़े, मतलब कोई सब लोग अपना काम कर रहे थे, मैं अकेले ही आ गई। ये देखिए पीछे अरबी के पत्ते हैं, ये तो मेरे घर के जस्ट पीछे, मेरे कमरे के पीछे ये देखिए अरबी के पूरे पत्ते हैं। और ये देखिए बांस का पेड़ है सामने, इसमें छोटे छोटे बांस भी लगते हैं। काफ़ी बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना बांस का पेड़ है। देखो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो यहाँ से जो पहाड़ियाँ दिखती हैं इस साइड नहीं, इस साइड की तरफ जो पहाड़ियाँ दिख रही है बादलों के कारण दिख रही है, वहाँ गाँव है। ये देखिए पीछे कितने अच्छा व्यू है यहाँ से। अब ब्लैक बादल उड़ के सुबह इतना ठंडा लग रहा था छत में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा। जब मैं घर हम लोग आ जाते हैं उसके बाद हमें याद ही नहीं आता कि हम दिल्ली में कहीं रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा से हम यहीं रहे, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अरबी के कितने बड़े खेत हैं, अरबी के पीछे पूरा खेती खेते हैं हमारे घर के पीछे, तो बहुत अच्छा व्यू है। ये देखिए कितना ग्रीन लग रहा है, आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि उधर से उधर तक पूरे अरबी अरबी है, और ये बहुत ही सुंदर, देखिए आपको भी देख के ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है अरबी, मतलब घुइयां जिसको बोलते हैं हम, तो बहुत ग्रीन हो रखे हैं इसके पत्ते, मौसम के कारण बहुत मज़ा आ रहा है छत में। और अगर आपको मेरी ये होम टाउन की जो वीडियो है अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे अपने घर की लेके आऊँगी, और आप ज़रूर देखिएगा। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ काफ़ी जगह है घूमने वाली, मैं जब भी कहीं जाऊँगी वीडियो ज़रूर डालूँगी। और ये देखिए पहाड़ियाँ ऐसे लग रही हैं कि बिल्कुल पास होने पर बहुत दूर हैं ये पहाड़ियाँ। तो ये देखिए, तो उत्तराखंड का जो हमारा ये शहर है कोटद्वार, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।